हेलो चैंपियंस दोस्तों, आज मैं लेखन कौशल से जुड़ी एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आप लेखन कौशल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। चाहे आपका वो अनुच्छेद लेखन हो, औपचारिक पत्र लेखन हो, औपचारिक ईमेल लेखन हो या विज्ञापन लेखन हो, राइट। और ये वीडियो हिंदी अ और हिंदी ब दोनों तरह के छात्रों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2024 के हिंदी के बोर्ड एग्जाम को लेकर के सीबीएसई बोर्ड ने क्या इंस्ट्रक्शन इश्यू किए हैं वो भी इन वीडियो में हम लोग सबूत के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ 2023 के हिंदी के बोर्ड एग्जाम के टॉपर के आंसर शीट से हम लोग लेखन कौशल से जुड़ी हुई ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पेन और पेंसिल लेकर के बैठिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर सकें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, देखिए जो लेखन कौशल होता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 होता है, और जो पहला लेखन कौशल का प्रश्न होता है वो होता है अनुच्छेद लेखन। तो चूंकि टॉपर ने आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, तीनों में से आपको कोई एक करना होता, तो जिस टॉपर की आंसर शीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन्होंने ग क्वेश्चन किया है, वो है बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो हिंदी ब वाले हैं उनको 100 शब्द का लिखना होगा और उनको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन जो हिंदी अ वाले हैं उनको अनुच्छेद लेखन में 120 शब्द लिखने होंगे और उसके मार्क्स होंगे 6 मार्क्स, राइट। चलिए इसके अलावा कोई फर्क नहीं है हिंदी अ और हिंदी ब के अनुच्छेद लेखन को लेकर के, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक पे आप ये जो संकेत बिंदु दिए हैं, ये चारों संकेत बिंदु को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे हम लोग इसको इसकी हेल्प से काफी कुछ सीखने वाले हैं। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या दिया है, वर्तमान समय में आवश्यकता, भारतीय समाज पर प्रभाव, बाधाएं, सुझाव, राइट। अब देखते हैं कि टॉपर ने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है। चलिए ये देखिए टॉपर की आंसर शीट आ गई। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन में क्या है कि आपको हल्का सा इंट्रो देना होता है 2 लाइन का, उसके बाद आपको कंक्लूजन भी देना होता है क्वेश्चन के अनुच्छेद के एंड में, और अनुच्छेद केवल एक पैराग्राफ में लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। अब हम लोगों ने पीछे 4 संकेत बिंदु डिस्कस किए थे, देखिए स्टॉपर ने, अब देखिए आवश्यकता क्यों हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देखिए आवश्यकता को भी उन्होंने शामिल किया है। दूसरा हमारा टॉपिक था कि समाज पर प्रभाव, देखिए समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी उन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या समस्याएं हैं, बाधाएं, ये देखिए उन्होंने बाधाएं भी डिस्कस करी है, और उसके बाद सुझाव भी उन्होंने दिया है। कहने का मतलब अनुच्छेद लेखन में जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को अनुच्छेद लेखन में शामिल करना है, प्लस आपको इंट्रोडक्शन जरूर देना है, 2.5 लाइन का मैक्सिमम आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अनुच्छेद में, और वही 2.5 लाइन का आप निष्कर्ष दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं। मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देख खुद एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे शुरुआत करते हैं किसी टॉपिक पे अनुच्छेद लेखन में और कैसे उसकी एंडिंग करते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले देखिए हम लोग ये देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन को लेकर के सीबीएसई ने क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप शब्द सीमा यानी जो वर्ड लिमिट है, जैसे कि हिंदी अ वालों के लिए 120 शब्द है और हिंदी ब वालों के लिए 100 वर्ड्स है, अगर शब्द सीमा का आप पालन करेंगे तो हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे, नहीं करेंगे तो आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे। और देखिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनावश्यक बातें न करके केवल विषय संबंध, यानी अगर आप अनुच्छेद लेखन लिख रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड वाक्य और सेंटेंस ही लिखिए, अगर उससे आप बाहर मतलब इरेलेवेंट यानी ऐसी चीज लिखेंगे जो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं तो आपके एक नंबर कट जाएंगे, राइट। और देखिए भूमिका, अनुच्छेद लेखन में भूमिका और निष्कर्ष होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको हाफ मार्क मिलने वाले हैं। और एक और जरूरी चीज, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप व्याकरण और स्पेलिंग, अगर आप स्पेलिंग व्याकरण और स्पेलिंग की मिस्टेक केवल एक या दो करेंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप दो से ज्यादा गलतियां करेंगे तो उसके भी आपके मार्क्स कटेंगे और वे मार्क्स कट जाएंगे आपके हाफ, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में, देखिए टॉपर ने क्वेश्चन नंबर ख यानी औपचारिक पत्र को सॉल्व किया है, तो आइए औपचारिक पत्र पढ़ते। पता है क्वेश्चन पेपर को अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको 2 नंबर तक क्वेश्चन पेपर में जो कंटेंट है उसको ही पढ़ करके आप 2 नंबर लिख सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। आप अ ब स नगर के निवासी हैं और आपका नाम अदम या आदा विश्वकर्मा है, उसके बाद आपके क्षेत्र
आपके क्षेत्र के पार्क को अब तक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। नगर निगम की पहल और सहयोग, नगर निगम की पहल और सहयोग से वह पुनः सुंदर पार्क बन गया है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त, किसको पत्र लिखना है, नगर निगम आयुक्त को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ये आके आपका, चलिए पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीएसई के क्या इंस्ट्रक्शन। देखिए, अगर आप दिनांक एवं विषय, अगर आप दिनांक और विषय लिखते हैं उसके ही आपको 0.25 यानी 1/4 मार्क्स इसके मिल जाते हैं। प्रेषक का नाम और पता क्वेश्चन पेपर में ही दिया होता है, इन दोनों को मिला के देखिए आपके आधे नंबर तो यही बन गए। प्राप्तकर्ता का नाम और पता ये भी क्वेश्चन में दिया होता है, पता तो अपने आप इन्वेंट करना होता है, राइट। प्राप्तकर्ता का नाम तो क्वेश्चन में दिया है, और उसे देखिए संबोधन एवं समापन, यानी आप देखिए एक नंबर तो आपको फ्री के मिल गए, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ने से ही एक नंबर मिल गए। आइए देखते हैं, और फिर भाई शब्द सीमा का पालन करेंगे तो 0. अगर नहीं करेंगे तो 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, राइट। और उसके बाद और क्या है यहाँ पे, हाँ वही चीज, अनावश्यक बातें न करके केवल विशेष, अगर आप इरिलेवेंट बातें लिखेंगे तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। आइए देखिए टॉपर ने कैसे इसे सॉल्व किया है, आइए हम लोग देखते हैं इसे। ये रहा, देखिए कैसे इन्होंने सॉल्व किया है, देखो क्वेश्चन से उठा लिया, ये देखिए अबसनगर क्वेश्चन से उठा लिया, गोपाल निवास यानी हाउस का एड्रेस हो गया या घर का पता, ये देखिए ये क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस यानी प्रेषक का पता हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, प्रेषक का पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, दिनांक, ये देखिए हिंदी का एग्जाम पता नहीं किस डेट को था, बट उन्होंने 17 मार्च 2023 का डेट डाला है, लेकिन आप लोगों का तो फरवरी में है, राइट। उसके बाद देखो ये प्राप्तकर्ता का संबोध, प्राप्तकर्ता का पता हो गया अब असनगर और नगर निगम, ये तो क्वेश्चन में ही था कि नगर निगम आयुक्त तो नगर निगम, राइट। उसके बाद देखो विषय, इसके भी 0.25 मार्क्स हैं, सुंदर पार्क बनाने के हेतु, पार्क बनाने के लिए धन्यवाद पत्र, उसके महोदय, राइट, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। और देखिए इसके भी आपको 0.25 मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर आप पढ़िएगा और घर पे फिर से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको ढेर सारी बातें सीखने को मिलेंगी जो आपके कल वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन देखा, उसके बाद हमने औपचारिक पत्र लेखन देखा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सूचना लेखन। बेसिकली ये है सूचना लेखन, क्वेश्चन नंबर 16 का ख, आप निवासी क करने वाले हैं आप, देखिए देखिए सूचना यानी जिसे इंग्लिश में आप लोग नोटिस राइटिंग बोलते हैं। देखिए इसमें भी क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 1 से 1.5 नंबर तो क्वेश्चन में छिपा हुआ है। देखिए आप श्यामा श्याम हैं और कहाँ से हैं, सर्वोदय विद्यालय के छात्र परिषद के सचिव हैं, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला की आवश्यक जानकारी देते हुए। अब देखिए क्वेश्चन से निकाल के देखिए 1 से 1.5 नंबर तो क्वेश्चन में छिपा हुआ है, आइए ध्यान से देखते हैं कैसे। अब देखिए ये क्या लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या लिखा, सर्वोदय विद्यालय, देखिए क्वेश्चन उठा लीजिए, सूचना वर्ड तो आप लोग लिख ही लेंगे, हालांकि सूचना भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका फॉर्मेट याद रख लीजिए, अभी मैं साइड में हो जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखो क्या क्या टॉपिक है, सूचना किस टॉपिक पे लिखी जा रही है, करियर काउंसलिंग कार्यशाला हेतु। उसके बाद देखिए दिनांक लिख दिया है ना, उसके बाद ये देखिए ये भी क्वेश्चन में ही मिल रहा है ना, तो यानी 1 से 1.5 नंबर लगभग 2 नंबर तो क्वेश्चन पेपर को ही अगर ध्यान से पढ़ो और उसकी सही स्पेसिंग, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। और देखिए एक जरूरी चीज बोलना चाह रहा था, ये आंसर शीट पे देखो ये मार्जिन, मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया हुआ है इंग्लिश वगैरह में, ये देखिए ये आंसर शीट का किनारा, इतनी मार्जिन जरूर छोड़िए दोनों तरफ, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीबीएसई का क्या इंस्ट्रक्शन है इसको लेकर के। देखिए इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए सूचना लेखन में अगर आप दिनांक और विषय यानी कार्यशाला जो हम लोगों ने पीछे देखा 0.25 मार्क्स, संस्था विद्यालय का नाम जो कि क्वेश्चन में दिया है 0.25 यानी आधे नंबर तो इसके मिल गए, सूचना लेखक का नाम जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, समझ रहे हैं, और सूचना को बॉक्स में रखना होगा, सभी अंगों का उचित जगह यानी सूचना यानी प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है, राइट। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक के भी मार्क्स कटेंगे, है ना, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये आपका विज्ञापन लेखन है। देखिए विज्ञापन लेखन ध्यान दीजिए, अब इसको पढ़ते, इसमें भी आप 1 से 1.5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके और प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके 2 नंबर तो इसमें ऐसे ही पा जाएंगे आप। ध्यान से देखिए, सोलर हीटर बनाने वाली कंपनी
कंपनी का नाम क्या है, निशांतर रश्मि के प्रचार प्रसार के लिए लगभग आपको एक विज्ञापन लेखन लिखा। अब देखिए ये निशांत रश्मि सोलर हीटर क्वेश्चन से उठा लिया, सोलर हीटर में अब ये देखो सोलर हीटर है तो सन की लाइट बना दी, और उसके बाद देखिए आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये देखो जैसे हम लोग क्लाउड जैसा बनाते हैं ना ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ये देखिए ये सारी चीज़ें बनी हो चुकी, CBSE ने ये स्कैन करके कॉपी दी है तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो उसी तरह से सजा करके सारी बातों को आप लोग रख सकते हो, इसको मैं सजा करके सारी बातों को रख सकते हो, इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, आप इधर देख लीजिए। हाँ, संपर्क अभी आपको दिखाऊंगा मैं अगली स्लाइड में, मोबाइल नंबर लिखने के भी 0.25 मार्क्स मिल रहे हैं जो आप लोगों का फेवरेट है मोबाइल, राइट। अब देखिए ये CBSE के क्या इंस्ट्रक्शन है, ध्यान दीजिए, अगर आप विज्ञापन लेखन लिखने वाले हैं तो देखिए विज्ञापित वस्तु का नाम सोलर हीटर, यानी क्वेश्चन से उठा के दो नंबर तो क्वेश्चन से आप पा रहे हैं। देखिए विज्ञापित वस्तु का नाम सोलर हीटर, विज्ञापित वस्तु के गुण कोई भी, मान लो यहाँ पे सोलर हीटर है आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए उसके दो तीन गुण तो आप लिख ही दोगे। उसके बाद संपर्क है तो देखो 0.25 मार्क्स संपर्क और आपका रचनात्मकता इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि मैं पढ़ने लगूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, राइट। इसे आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर सॉल्यूशन पढ़िएगा, फिर इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें टॉपर ने सॉल्व किया है, क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। अब इसमें भी वही है कि क्वेश्चन से ही आप डेढ़ से दो नंबर तो क्वेश्चन पढ़ करके और प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके आप पा सकते हो, यानी फ्री के नंबर मिल रहे हैं, राइट। देखिए आपका नाम मानव या मानवी है, आपने ऑनलाइन, ये हमारा क्या है, औपचारिक ईमेल लेखन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपने ऑनलाइन टेलीविजन खरीदा है और अब आप उसके लिए विस्तारित जिसे हम लोग गारंटी बोलते हैं, एक्सीडेंट वारंटी की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो कंपनी के ईमेल पते पर 100 शब्दों का ईमेल लिखिए। ध्यान दीजिए आपको बता दिया आप मानवी हैं, कंपनी का नाम नहीं दिया, कोई भी कंपनी बना लो, देखिए आधे नंबर तो आपको इसी के मिल गए। देख लीजिए फ्रॉम यानी यहाँ पे क्या मानो मानवी, ये देखिए ईमेल, एक ईमेल आईडी बना दी, टू किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इन्होंने बजाज का नाम रख दिया, आप भी रख सकते हैं। उसके बाद CC और BCC और विषय क्या है, टेलीविजन के लिए विस्तारित आश्वासन हेतु, राइट। इतने में ही देखिए इतने में आपको एक से ज़्यादा नंबर मिल गए, राइट। चलिए अगली स्लाइड पर डिस्कस करते हैं डिटेल में इसे, ये देखिए अगली स्लाइड में ये डिटेल में है। इससे पहले मैं CBSE की इंस्ट्रक्शन क्या उसे देख लेते हैं। देखिए प्रेषक का ईमेल यानी मानव इस क्वेश्चन में मानव या मानवी है, 0.25 मार्क्स। प्राप्तकर्ता का ईमेल, ईमेल बनाने में आप लोग तो माहिर हो, राइट, 0.25। देखो CC या BCC ऐड करने के 0.25। विषय संकेत, इसमें विषय संकेत क्या था, वारंटी बढ़ाने के लिए, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ, 0.25 मार्क्स इसके मिल जाते हैं। समापन और हस्ताक्षर के भी 0.25 मार्क्स। अब देखिए कितने हो गए आपके, मतलब लगभग 1.5 से 2 मार्क्स आपको क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ने के ही मिल जा रहे हैं, राइट। तो मैं साइड में हो जा रहा हूँ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली इसमें तीन बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों ने बातों को डिस्कस किया है, हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक ईमेल लेखन और विज्ञापन लेखन को डिस्कस किया है, राइट, टॉपर के आंसर शीट से, और CBSE का क्या इंस्ट्रक्शन है इन सब लेखन कौशल के टॉपिक्स को लेकर के वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप इसे ध्यान से जरूर पढ़िए, आपके कल के हिंदी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।